दोस्तों ज्यादातर जो यंगस्टर होते हैं वो अपनी स्प्लेंडर बाइक में कुछ ना कुछ नया से नया मॉडिफिकेशन करवाते रहते हैं। तो यहाँ पर आज हमारे पास है बोस कंपनी की एक एलईडी हेडलाइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बीच में यहाँ पर जो है बोस लिखा हुआ है और ये इतनी स्पेशल है, यहाँ पर आपको जो है इसकी लुक और यहाँ पर जो इसकी लाइट है वो जबरदस्त दिखाई देगी। तो मैं पहले आपको इसको ऑन करके दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों ये जो हमारे पास हेडलाइट है ये है डीसी सप्लाई वाली और यहाँ पर देखिए जब हम इसकी तार को टच करते हैं तो यहाँ पर इसके अंदर आपको दो अलग से ये कलर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर जो इसके अंदर प्रोजेक्टर लगा है ये वाइट आपको दिखाई देगा और जो इसके साइड में लो बीम लगे हैं ये भी आपको वाइट दिखाई देंगे। यहाँ पर हम इनको जो है एक साथ हाई और लो बीम को चला सकते हैं और यहाँ पर इसके साइड में जो एलईडी लाइट लगी हुई है और ऊपर जो बोस लिखा हुआ है ये आपको सुनहरे अक्षरों में दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनको जो है दोस्तों हमें अलग कनेक्शन देना होगा। अब देना कैसे होगा वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हम इसको दो तरीके से लगाएंगे वो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ और किस तरीके से इसके कनेक्शन करने हैं ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर वीडियो में आपको थोड़ी सी अच्छी जानकारी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को जल्द से लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और दोस्तों अगर आप इस एलईडी हेडलाइट को परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इस एलईडी हेडलाइट को अमेजोन से परचेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब दोस्तों इसको लगाना कैसे है ये मैं आपको इसमें दो ट्रिक बताऊंगा। सबसे पहले हमारे पास एक पत्ती होनी चाहिए, हम इसको पत्ती बेस पर भी लगा सकते हैं। अब पत्ती बेस पर फायदा क्या होगा, यहां पर देखिए जो इसकी हेडलाइट होती है इसको हम जो है अप डाउन कर सकते हैं। अगर मान लो आपको थोड़ा लंबी लाइट चाहिए तो हम इसकी लाइट को एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा इसको अप डाउन किया जा सकता है। और दूसरा ट्रिक दोस्तों मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए बहुत सारे बंदे क्या करते हैं, मैंने बहुत सारी ऐसी बाइकों में लगाई है, कुछ तो इसको जो है फिक्स कराना चाहते हैं और कुछ इसको जो है पत्ती के बेस पर लगवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इसमें पहले ये दिखा दूँ जो हमारी हेडलाइट है इसको हम पत्ती बेस पर कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक पत्ती होनी चाहिए लंबे वाली, अब इसको लगाना कैसे है ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपने हेडलाइट को जो है उल्टा कर लेना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे पास ये पत्ती है इसको आपने इतनी लंबाई इसकी पहले ही नाप लेनी है और यहाँ पर जो छोटे सक्रिय होते हैं उनको यहाँ पर लगाकर इसको टाइट कर देना है। याद रखिए जो हमारी हेडलाइट होगी इसकी जो पत्ती होगी यहाँ पर ये ऊपर की साइड में लग जाएगी ताकि यहाँ पर लाइट को जो है अच्छे से फिक्स किया जा सके, दिक्कत वगैरह इसमें ना हो। तो यहाँ पर हम इसको यहाँ पर टाइट कर लेते हैं और ये होल जो होंगे आप इनको जहाँ पर ये वाइजर होगा उसके मुताबिक आप इसको एडजस्ट करके इसमें कर सकते हैं ताकि यहाँ पर जब हम इसमें नट बोल्ट लगाएं तो इसको यहाँ पर अच्छे से एडजस्ट किया जा सके। अब इसके बाद आपने जो है अपनी स्प्लेंडर बाइक की हेडलाइट को ओपन कर लेना है जो इसकी पुराने वाली हेडलाइट है। तो यहाँ पर इसको ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, जो हमारी न्यू एलईडी हेडलाइट है इसको यहाँ पर जो इसकी पत्तियाँ होती हैं उनको यहाँ पर थोड़ा बैंड कर देना है। इनको थोड़ा आपने जो है दोनों साइडों से एल टाइप में इसको शेप देनी है ताकि यहाँ पर जो होल होंगे यहाँ पर जो 12 mm के बोल्ट लगाएंगे वो इसके अंदर सही से फिट आ जाए। तो यहाँ पर ये इस तरीके से हम इसको पहले ट्रिक में लगा सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर जो है पहला ट्रिक हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर जो है इसकी पत्तियों को अपने प्लास द्वारा थोड़ा यहाँ पर नाप के इसको यहाँ पर मोड़ लेना है जिससे यहाँ पर ये आसानी से मुड़ जाए और इनको हम आसानी से यहाँ पर लगा सकें। अब इसके बाद आपने इसके कनेक्शन कैसे करने होते हैं, यहाँ पर देखिए जो आगे इसमें कपलर आपको दिखाई देगा इसमें आपको एक पीली रंग की तार दिखाई देगी जो ऊपर यहाँ पर ये डिपर स्विच में तार जाती है, आपने इसको कट करके यहाँ पर जो है इस पीली तार को जो है ब्लैक तार में जोड़ देना है ताकि यहाँ पर होगा क्या इसके अंदर एसी सप्लाई ना जाए, इसके अंदर सीधी जो है जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे इसके अंदर यहाँ पर ऊपर जो है ये एसी सप्लाई की जगह डीसी सप्लाई इसमें जाएगी और जिससे यहाँ पर जो है एक हेडलाइट हमारी ये स्विच ऑन करते ही बैटरी बेस पर चलने लगती है। तो ये हमारा पहला ट्रिक यहाँ पर होता है अगर हमने इसके कनेक्शन को चेंज नहीं किया तो ये एलईडी लाइट जो है ये डायरेक्ट रेक्टिफायर बेस पर चलेगी और ये जल्दी से फ्यूज हो जाएगी। तो यहाँ पर इसलिए हमने जो है इसको डीसी सप्लाई पर चलाना होता है। तो आप यहाँ पर जो इस तार को आप ध्यान रखें इसको आपने जो है ब्लैक तार में टच कर देना है जिससे यहाँ पर इसको जो है 12 वोल्ट की सप्लाई मिल जाती है। अब इसके बाद यहाँ पर दूसरा ट्रिक हमारा ये है जो हमारी एलईडी हेडलाइट होती है इसको हम जो है एमसील बेस पर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा दूसरा ट्रिक है। तो यहाँ पर ये भाई जो है इसको पत्ती में ना लगवाकर इसको यहाँ पर फिक्स कराना चाहते हैं। तो ये तो एक कस्टमर की अपनी अपनी चॉइस होती है, जो हमारे पास यंगस्टर होते हैं वो किस तरीके से इसको लगवाना चाहते हैं। तो फाइनली मैंने इसको यहाँ पर थोड़ी देर धूप में रख दिया था 10-15 मिनट के लिए ताकि यहाँ पर ये अच्छे से
सूख सके। तो ये हमारी पत्ती थी, आप इसको जो है पत्ती बेस पर भी लगा सकते हैं, जैसा आप चाहें उस तरीके से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी एलईडी हेडलाइट को। तो यहाँ पर अब इतना काम हो चुका है, अब इसके बाद मैं आपको इसको ऑन करके दिखाता हूँ किस तरीके से आपने इसके कनेक्शन करने होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी एलईडी हेडलाइट है वो फाइनली यहाँ से सूख चुकी है, जो हमने एमसील यहाँ पर लगाई थी, और ये जो है वाइजर के साथ फिक्स हो जाएगी। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो हमारी एलईडी हेडलाइट होती है इसके कनेक्शन हमने दो तरीके से करने होते हैं। एक तो इसका जो हाई और लो बीम होता है वो तो हमने इसके जो है डिपर स्विच से कर दिया। जैसे ही हम इसके डिपर स्विच को ऑन करते हैं तो इसकी जो है ये हाई और लो बीम ऑन हो जाते हैं। लेकिन जो इसकी एलईडी हेडलाइट है इसको ऑन करने के लिए हमने अलग से इसके अंदर जो है एक अलग से स्विच लगाना होगा जो टू वे का काम करेगा। अब वो टू वे का काम किस तरीके से करेगा वो मैं आपको इसमें बताऊंगा, क्योंकि हमने जो है इसके ड्यूल कलर को अलग अलग तरीके से ब्लिंक करवाना है। अब यहाँ पर इसके अंदर जो है टू वे स्विच किस तरीके से लगेगा, यहाँ पर देखिए ये हमारा टू वे स्विच है, इसके अंदर हमने यहाँ पर जो है तीन तार लगा दी है, बीच में हमने यहाँ पर मेन तार लगा दी, इसके अंदर ये स्विच लगाते ही यहाँ पर ये 12 वोल्ट की सप्लाई इस स्विच में आ जाएगी, और जो इसमें दो तार हैं जब हम इस स्विच को आगे प्रेस करेंगे तो इससे जो है दूसरी लाइट ब्लिंक होगी, पीछे करने से इसकी दूसरी एलईडी लाइट ब्लिंक करने लगेगी। तो यहाँ पर देखिए हमने जो है इसकी तार को यहाँ पर ब्लैक तार में जोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो 12 वोल्ट की सप्लाई उस स्विच में जाएगी। अब यहाँ पर मैं आपको इसमें दिखा दूँ, देखिए ये हमारी हेडलाइट का मेन कपलर है, इसको हम इसमें लगाते हैं तो ये तो हमारा फिक्स हो जाएगा। और जो इसके अंदर अलग से दो तार दी गई हैं उनको आपने जो उस वन वे स्विच से दो तारें निकलती हैं उनको आपने इसके साथ अलग अलग जो है कनेक्ट कर देनी है। अब दोनों तारें यहाँ पर जो है 12 वोल्ट की सप्लाई निकालेंगी तो इससे जो है इसकी एलईडी हेडलाइट ऑन हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए जैसे मैं इसके स्विच को आगे और पीछे प्रेस करता हूँ तो ये दोनों लाइटें जो है आगे पीछे करने पर अपने रंग जो है बदलती दिखाई देंगी। तो यहाँ पर ये जब शाम के वक्त हम इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर इनका कलर कुछ और आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए अब हमारा कनेक्शन ये इस तरीके से हो गया, और यहाँ पर ये कनेक्शन जो है आप जब करेंगे इनके ऊपर अच्छे से आपने टेपिंग वगैरह कर देनी है। तो यहाँ पर ये जो दो तारे हैं इनके अंदर आपको 12 वोल्ट की सप्लाई देनी है, जो ये टू वे स्विच होता है। तो इसकी बेस पर आप जो है इसकी एलईडी हेडलाइट को अलग से चला सकते हैं, और जो इसकी मेन लाइट है हाई और लो बीम वो तो आपके डिपर स्विच से काम करेगी ही। अगर आपकी बाइक BS4 या BS6 है तो उसके अंदर आप अलग से हार्नेस स्विच का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपने जो है इसके कनेक्शन इस तरीके से कर देने हैं और इसके ऊपर आपने टेप वगैरह कर देनी है। और ये जो हमारा इसका टू वे स्विच होता है इसको आप हैंडल के पास लगा सकते हैं, क्योंकि इसको आप जो है नाइट के समय या दिन के समय इससे जो है इसकी लाइट को ब्लिंक करवा सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप इसके कनेक्शन इस तरीके से कर लेना और इसकी हेडलाइट को इस तरीके से इंस्टॉल कर लेना। आप इसको पत्ती द्वारा भी लगा सकते हैं जिससे यहाँ पर इसकी हेडलाइट जो है अप डाउन हो सके, या आप इसको MCL के द्वारा फिक्स भी कर सकते हैं, वो आप अपने तरीके से कर लेना। और जिस तरीके से मैंने कनेक्शन बताए उनको भी आप इस तरीके से कर लेना। तो यहाँ पर दोस्तों जो ये बोस की LED हेडलाइट है इसको आप अगर परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसको Amazon से परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आज मैंने आपको इस वीडियो में शेयर की। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो में थोड़ी सी भी अच्छी जानकारी लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को दिल से लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आगे दीजिए, आप सबका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।